अभियान अगले 7 दिन तक चलेगा, मतलब 2 दिन के बाद शुरू होगा जी, और अगले 7 दिन तक ये अभियान चलेगा जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों में ये अतिक्रमण हटाने सहित जाम हटाने की कार्रवाई की जाए। इस अभियान में सभी विभागों के पदाधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण की समस्या है, कई जगह जो सरकारी काम चल रहे हैं रोड बनाने का या सीवरेज बनाने का काम चल रहा है उसके कारण कुछ समस्या है, कई जगह बिजली के खंभों को लेकर समस्या है, कई जगह रेगुलेशन की समस्या है, कुछ जगह पार्किंग की समस्या है। इसके अलावा जो भी सीवरेज का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसके तहत कई जगह सड़कें खोद करके रख दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। अगर आप पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको कई जगहों पर जाम की समस्या देखने को मिलती है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसको लेकर जिला प्रशासन अब कई सारे कदम उठा रहा है। आपको बताते चले कि पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने आज पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और साथ ही साथ जो पटना के IG हैं संजय कुमार और तमाम जितने भी सिटी SP हैं, SP, DSP सभी के साथ आज बैठक की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कमिश्नर ने आज बैठक बुलाई और साफ तौर पे कई सारे निर्देश दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल, पहले आप वो सुने। इनके बाद से एक स्पेशल धावा दल गठित किया गया है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स सभी लोग रहेंगे और ये लोग मिल कर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे 4 हमारे यहाँ सिटी SPs हैं, उनके क्षेत्र में ये सारी व्यवस्थाएं होंगी और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में लीड करेंगे और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और ये अभियान अगले 7 दिन तक चलेगा, मतलब 2 दिन के बाद शुरू होगा जी, और अगले 7 दिन तक ये अभियान चलेगा जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों में ये अतिक्रमण हटाने सहित जाम हटाने की कार्रवाई की जाए। पटना में जो जाम और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है और इस अभियान में सभी विभागों के पदाधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण की समस्या है, कई जगह जो सरकारी काम चल रहे हैं रोड बनाने का या सीवरेज बनाने का काम चल रहा है उसके कारण कुछ समस्या है, कई जगह बिजली के खंभों को लेकर समस्या है, कई जगह रेगुलेशन की समस्या है, कुछ जगह पार्किंग की समस्या है। तो आज सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है जिसमें IG साहब सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी और SDO सहित जिला पदाधिकारी मौजूद थे और ये निर्णय लिया गया कि दो दिन बाद से एक विशेष अभियान पटना में चलाया जाएगा जिसमें ट्रैफिक को लेकर के पूरी जांच की जाएगी। जो भी लोग बिना लाइसेंस के या बिना गाड़ी के कागजातों के साथ घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहन हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, खास करके जो अतिक्रमण, छोटे मोटे अतिक्रमण आप देखेंगे कि सड़कों पर ठेला खड़ा है, रिक्शा खड़ा है, गलत पार्किंग कर दी गई है उसके कारण जाम होता है, तो उस पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा और उन गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडिंग जोन्स हैं उसको भी रेगुलेट करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वेंडिंग जोनों की एक सीमा फिक्स की जाए, उस सीमा से बाहर कोई भी वेंडर नहीं रहे। जो वेंडिंग जोन वाले लोग हैं, हम लोग चाहते हैं उनका भी रोज़गार चले, लेकिन जैसे ही उनको जगह दी जाती है वो सीमा से वो लोग बाहर नहीं जाए, इसलिए टेम्परेरी वेंडिंग जोन का गठन नगर निगम करेगा और उस पर कार्रवाई शीघ्र करेगा। इसके अलावा जो भी सीवरेज का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसके तहत कई जगह सड़कें खोद करके रख दी गई हैं, तो जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाता कोई भी सड़क खोदने पर रोक लगा दी गई है कि जब तक पुरानी सड़कें जब तक खोद गई हैं उसका काम पूरा नहीं होता है, कोई भी नई जगह सड़क को नहीं खोदा जाए। इसके अलावा बिजली के खंभे कई जगह प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको भी देखा जा रहा है। वन वे कुछ स्थानों पर करने पर विचार किया जा रहा है, इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। सभी SDO और SDPOs बैठक करके अपने अपने क्षेत्र में देखेंगे कहाँ वन वे करने से ट्रैफिक को इजी किया जा सकता है। इसके अलावा गांधी सेतु पर भी निगरानी और दीघा सेतु पर भी लगातार निगरानी रखने का निर्णय किया गया है ताकि जो जाम की समस्या है उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो आपने सुना, साफ तौर पर पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल का कहना है कि कई जगहों पर अब चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी लोग बिना गाड़ी, जैसे उनके गाड़ी में कोई कागज़ नहीं है या उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना भी पार्किंग जोन में लोगों के द्वारा जो गाड़ी लगाया जाता है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि कई सारे कदम ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए पटना के सड़कों पर किया जाएगा, तो पटना की सड़कों पर अब ट्रैफिक से निजात कब तक मिल पाता है? तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।